हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ राउज एकेडमी फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। दिस इज एडवोकेट वरुण प्रधान प्रेजेंटिंग यू द डेली न्यूज रिव्यू फॉर 16th ऑफ नवंबर। सो गाइस, बिफोर वी प्रोसीड, व्हाई डोंट यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ राउज एकेडमी इफ यू हैवंट येट। सो बिफोर मूविंग फर्दर, let's see the solutions to the question which I asked you in the previous video. Question number 1 was Janjatiya Gaurav Divas is observed on, and the right answer is 15th of November, that is the birthday of Bhagwan Birsa Munda. Another question was by which year India is expected to be carbon neutral, and the correct answer to this is 2070। ठीक है, तो इन दोनों फैक्ट्स का आप नोट बना लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज क्या कुछ खास है न्यूज में। ठीक है, तो आज की सबसे बड़ी न्यूज तो आ रही है बाली से, जहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के 8 लोकप्रिय नेताओं से बैठक की। ठीक है, सी जिनपिंग से वो मिले, जो बाइडन से मिले, और 8 अन्य प्रमुख नेताओं से मिले। कल के लेक्चर में भी हमने G20 समिट के बारे में काफ़ी कुछ बात की थी। ठीक है, तो ये आर्टिकल देखते हैं। सबसे पहले इसमें नरेंद्र मोदी जी ने जो बाइडन और चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग से बातचीत की है। ठीक है, और सारे बाइलेटरल टॉक्स भी प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। शायद उनकी मेडिन मीटिंग हो सकती है यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से और इटली के प्रीमियर जॉर्जिया मियोलनी से। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बहुत ज़रूरी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एड्रेस में कही हैं, आज हम उनको भी समझेंगे। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा बहुत ब्रीफली G20 के बारे में समझ लेते हैं। तो G20 एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है जिसमें 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन, 19+1 दैट इज 20, इन टोटल लगभग 46 देश इस G20 में आ जाते हैं। ठीक है, UNSC के 5 परमानेंट मेंबर्स इसके भी मेंबर हैं, और दुनिया की लगभग 2/3 पॉपुलेशन, 85% कैपिटल और रफली 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जो होता है वो इन G20 देशों से होता है। इन बातों को आप नोट करते जाइए। G20 का एस्टैब्लिशमेंट 1999 में हुआ था। इनिशियली सिर्फ इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स मिला करते थे। फिर 2008 से प्रीमियर्स की भी मीटिंग होने लग गई, और हर साल ये एनुअल कॉन्क्लेव अब G20 का होता है। हर साल जो G20 कॉन्क्लेव होती है उसका एजेंडा तैयार करती है एक ट्रिनिटी, एक ट्रायो जिसे टोलका कहा जाता है, जिसमें प्रीवियस होस्ट, करंट होस्ट और अपकमिंग होस्ट जो होगा वो एजेंडा तय करता है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो इस साल की जो G20 समिट इंडोनेशिया के अंदर हो रही है उसको तैयार करने वाले 3 देश थे, इटली जो कि प्रीवियस होस्ट था, इंडोनेशिया जो करंट होस्ट है, और इंडिया जो अपकमिंग होस्ट है। इसलिए G20 इस साल भी इम्पॉर्टेंट है और अगले साल के एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एक और खास बात इस G20 समिट को लेकर ये है कि रशियन प्रीमियर पुतिन इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। आई रिपीट, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन G20 समिट। ठीक है, हालांकि उनकी तरफ से एक दूसरा डेलीगेशन आया है, और इस G20 समिट में जो फोकस रहा है वो ट्रेड, हेल्थ और क्लाइमेट चेंज पर रहा है, और एक स्पेशल फोकस जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि एनर्जी और फूड सिक्योरिटी को लेकर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पीच की बात करें तो उसमें से जो महत्वपूर्ण बातें रही हैं वो ये हैं कि प्रधानमंत्री ने
वर्ल्ड हेल्थ के लिए योग की सिग्निफिकेंस की बात की है। उन्होंने कहा है कि योग एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट हो सकता है जिससे वर्ल्ड में हेल्थ को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। और उन्होंने इंडोनेशिया के साथ कल्चरल टाइज की बात को भी रीइटरेट किया। साथ ही उन्होंने सारे जो डेलीगेट्स G20 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको इनवाइट किया है January 9th, 2023 को इंदौर में होने वाले NRI डे के लिए, भारतीय प्रवासी दिवस जो कि 9 जनवरी 2023 को इंदौर में होगा, उसमें सभी को आमंत्रित किया है। तो मध्य प्रदेश स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, ठीक है। और उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां इस दुनिया में चल रही हैं, जो क्राइसिस दुनिया झेल रही है, उसमें UNO जैसी एजेंसीज, फॉर्मल एजेंसीज फेल दिख रही हैं। ऐसे में G20 जैसी ग्रुपिंग्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सारी बातें उन्होंने कही। और उन्होंने ये भी कहा कि रशिया और यूक्रेन को चाहिए कि वो वायलेंस को छोड़कर डायलॉग्स के थ्रू अपने डिस्प्यूट सेटल करें। ऑलराइट, ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी इस आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है। तो गाइज, इफ यू वॉन्ट टू बूस्ट अप योर प्रेपरेशन फॉर UPSC और MPPSC एग्जाम, ज्वाइन आवर बैचेस एट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। वी हैव अ वेरी वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी फॉर बोथ MPPSC एंड UPSC एग्जाम। यू कैन विजिट इन आवर प्रमाइसिस और फॉर मोर डिटेल्स यू कैन फॉलो अस ऑन वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स। फाइन, आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ देखते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसको जस्टिस अब्दुल नज़ीर हेड कर रहे थे, उसने एक बढ़िया कमेंट करा है कि पॉलिटिकल हेड्स जो हैं उनकी स्पीचेस को रिस्ट्रेन किया जाना चाहिए। आर्टिकल 19(1)(a) हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। देश के हर नागरिक के पास ये राइट होता है, लेकिन ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत इसको रीजनेबली रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, कुछ उसी तरह की बात ऑनरेबल बेंच ने कही है, ठीक है। तो बेंच ने कहा कि इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में एक सेल्फ रिस्ट्रेंट भी है, हमें खुद संयम धारण करना पड़ेगा बोलने के पहले, हम कुछ भी बकवास ना करने लग जाए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा। ये एक तीखी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, ठीक है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस होने ही चाहिए उन लोगों पर, खासतौर पर जो कि रिस्पॉन्सिबल ऑफिसेस को होल्ड कर रहे हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे वाले लोगों पर इस तरह के निर्बंधन और ज़्यादा इनहेरेंट होने चाहिए, ठीक है। ये एक अनरिटन रूल जैसा है कि ये सेल्फ रेस्ट्रिक्शन करना आपको पड़ेगा, ठीक है। ये बात ऑनरेबल कोर्ट ने कही है, ठीक है। तो ये एक बढ़िया आर्टिकल है जो आर्टिकल 19(1)(a) वर्सेस आर्टिकल 19(2) के बारे में है और एक फाइन बैलेंस की बात करता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रीजनेबली रेस्ट्रिक्ट करके एक्सरसाइज किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज देखते हैं जो कि आसाम से है, जहां पर एक रैकेट पकड़ा गया जो तस्करी कर रहा था, स्मगलिंग कर रहा था, इलीगल ट्रेड कर रहा था एग्जॉटिक प्राइमेट्स के। प्राइमेट्स आप जानते हैं वो जानवर जो इंसान से थोड़े मिलते जुलते फीचर जिनमें पाए जाते हैं, बंदर इत्यादि इसमें आते हैं, ठीक है। तो एग्जॉटिक प्राइमेट्स और इस तरह के और दूसरे जानवरों की बर्मीज, एराकानट्स, ड्रग्स
और इलीगल सिगरेट्स की स्मगलिंग का एक रैकेट पकड़ा गया है। तो ये आर्टिकल आपके लिए एक केस स्टडी के तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है इंटरनल सिक्योरिटी में, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ड्रग कार्टल से डील करता है, ठीक है, ड्रग कार्टल से डील करता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि सिर्फ नार्कोटिक या साइकोट्रॉपिक ड्रग्स की स्मगलिंग ही स्मगलिंग नहीं है, और भी कई तरह की चीज़ें जिनको लॉ रेस्ट्रिक्ट करता है या बैन इम्पोज करता है उनकी भी स्मगलिंग बहुत फ्रीक्वेंट है। और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में क्योंकि बॉर्डर्स पोरस हैं और एक इनस्टेबिलिटी का फैक्टर हमेशा वहाँ पर रहता है, इंसर्जेंसी का इशू भी रहता है, और इसके लिए ये इल्लीगल ट्रेड्स इंसर्जेंसी एक्सेट्रा की फंडिंग का एक सोर्स बनते हैं। आई रिपीट, ऑल दीज इलिसिट ट्रेड्स बिकम्स अ सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर इंसर्जेंट और सेपरेटिस्ट ग्रुप। देयरफॉर देयर इज अ नेक्सस बिटवीन टू इंटरनल सिक्योरिटी इशू, उनको ये आर्टिकल कवर करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज देखते हैं, जिसमें नो रशियन बैंक्स ने वॉस्टो अकाउंट ओपन किए हैं रुपीस ट्रेड के लिए। तो एक सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन ये बनता है कि दुनिया का ऐसा कौन सा पहला बैंक है जो कि रुपी बेस्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करेगा, वो है रशिया। देखिए, समझते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को। आमतौर पर जो ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसीज होती हैं उनमें ट्रेड होता है। फॉर इंस्टेंस, यूएस डॉलर इज द मोस्ट एक्सेप्टेड करेंसी अक्रॉस द ग्लोब। तो यदि इंडिया को किसी दूसरी कंट्री से कुछ खरीदना है तो पहले इंडियन रुपी को कन्वर्ट कराना पड़ेगा यूएस डॉलर में, उस यूएस डॉलर में वहां पेमेंट होगा और फिर उसको वापस उस देश की करेंसी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। इसमें काफ़ी सारे एक्सचेंज रेट्स एक्सेट्रा पर भी खर्चा हो जाता है, ठीक है। लेकिन यदि सीधा सीधा करेंसी बेस्ड ट्रांजैक्शन होगा तो ये खर्चा हमारा बच सकेगा। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए ये एक कदम उठाया गया है, जो कि काफ़ी वेलकम स्टेप है, फाइन। अब प्रश्न आता है कि वॉस्टो अकाउंट्स क्या होते हैं, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय वॉस्टो अकाउंट्स, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है, बड़ी टेक्निकल सी आपको पढ़ने में ये लग रही होगी, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखिए, वॉस्टो का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है योर्स, आपका, ठीक है, आपका। तो वॉस्टो अकाउंट क्या है? योर अकाउंट, आपका अकाउंट। तो आपका अकाउंट जब कोई और मैनेज कर रहा होगा उसको कहेंगे वॉस्टो अकाउंट। फॉर इंस्टेंस, इंडिया चाहता है कि इंडिया के बिहाफ पर कोई रशियन बैंक उसको मैनेज करे, इंडियन करेंसी को कोई रशियन बैंक मैनेज कर ले, ठीक है। तो दैट वुड बी टर्म्ड एज वॉस्टो अकाउंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। तो एक कस्टोडियन बैंक रहेगा जो कि एक दूसरे कंट्री का वॉस्टो अकाउंट मैनेज करेगा, ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो इंडिया ने पहली बार किसके साथ टाइप किया वॉस्टो अकाउंट के लिए? रशिया के लिए। इससे संबंधित ये आर्टिकल था, ठीक है। गाइज, यू कैन ऑल्सो अवेल आर स्टडी मटेरियल विच इज अवेलेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और अब बारी है करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स की, जो कि आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो कूल नंबर वन सेज 16th November, दैट इज टुडे, इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल प्रेस डे ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया में एक संस्था, एक स्टैचुरी बॉडी है जिसका नाम है PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट 16th November को हुई थी, और इस डे को कमेमोरेट करने के लिए नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। यूजुअल प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो है वो यूजुअली सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज होता है। इसमें लिटरेरी
फ्रेटर्निटी के लोग, इसमें प्रेस के लोग और इसमें हमारे लेजिस्लेटर्स भी शामिल होते हैं, ठीक है। और इस संस्था का उद्देश्य है फ्री प्रेस इंश्योर करना, प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर एंड राइटर कार्लो सुआरा विल बी गिवन सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इंडिया के एक जाने माने फिल्म मेकर थे सत्यजीत रे, जिनकी बनाई फिल्में दुनिया में क्लासिक मानी जाती हैं, उनके नाम पर एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है जो इस साल कार्लो सौरा को मिलेगा। देन थर्ड एडिशन ऑफ कोस्टल डिफेंस एक्साइज सी विजिल 2022 स्टार्टेड। ऑलराइट, इसको तो कल भी हमने कवर किया था। और इसके साथ साथ इंडो यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्साइज युद्ध अभ्यास ऑल्सो बिगिन टूडे, ठीक है, ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम केरला विच सेज सीएम पिनराई विजयन मेड अ न्यू रिकॉर्ड फॉर बींग द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। केरला के अब तक के सबसे लंबे समय तक रहने वाले चीफ मिनिस्टर बन गए हैं पिनराई विजयन। और आखिरी द प्राइड ऑफ इंडिया मैरी कॉम इज इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ एथलेटिक्स कमीशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। फाइन, सो दैट इज इट फॉर टुडेज न्यूज एंड नाउ इट इज द टाइम फॉर क्विज। एंड टुडे वी आर डूइंग क्विज इन अ डिफरेंट मैनर बिकॉज वीव टेकन दिस क्विज फ्रॉम द हिंदू न्यूज पेपर। दिस क्विज इज वॉज बाय द हिंदू न्यूज पेपर। सो आज हमने एज इट इज वही क्विज आपके लिए दिया हुआ है। यदि आपको इसके आंसर पता हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपको नहीं पता है तो कल इनके आंसर हम आपको जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर वन, दिस इज द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली पब्लिश न्यूज पेपर इन इंडिया। फर्स्ट पब्लिश इन जुलाई 1822। द न्यूज पेपर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। रिसेंटली अ पोस्टेज स्टाम्प ऑफ न्यूज पेपर वॉज रिलीज। वॉट इज द नेम ऑफ द न्यूज पेपर एंड ऑन वॉट ओकेजन द स्टाम्प वॉज रिलीज। भारत में लगातार छपने वाला सबसे पुराना अखबार से पहले जुलाई 1822 को संपादित किया गया। इस अखबार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हाल ही में इस अखबार को याद करते हुए एक डाक टिकट भी भारत सरकार ने जारी किया था। तो ये कौन सा अखबार है और किस अवसर पर ये डाक टिकट जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर टू इज एन एक्ट वॉज इनेक्टेड टू कर्टेल द फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस एंड प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिसिज्म टूवर्ड्स ब्रिटिश पॉलिसी। आफ्टर दिस एक्ट वॉज पास द न्यूज पेपर बिगेन पब्लिशिंग इन इंग्लिश टू। इट इज ऑफन सैड द एक्ट वॉज पास मेनली अगेंस्ट दिस न्यूज पेपर। नीम द एक्ट एंड न्यूज पेपर। एक अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने बनाया जिसके द्वारा भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को रोका जा रहा था, उन अखबारों पर निर्बंधन लगाया जा रहा था जो ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। जब यह एक्ट बना तो एक अखबार भारतीय भाषा के अलावा अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने लगा। कहा जाता है कि उसी अखबार को रोकने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। उस अखबार और अधिनियम का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज आइडेंटिफाई द तमिल न्यूज़पेपर दैट वाज पब्लिश्ड फ्रॉम 1882 टू 1985। इट वाज फाउंडेड बाय एन इंडियन जर्नलिस्ट हु फाउंडेड वन ऑफ द लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया टुडे। तमिल भाषा में छपने वाला एक अखबार जो 1882 से लेकर 1985 तक प्रकाशित हुआ, जिसको एक भारतीय पत्रकार ने संपादित किया, जिसकी स्थापना की। और यह भारत का एक जाना माना अंग्रेजी अखबार है। इसका नाम बताइए। क्वेश्चन
क्वेश्चन फोर्थ इज दिस इज वर्नाकुलर न्यूज़पेपर स्टार्टेड ऑन लाइंस ऑफ महात्मा गांधीज हरिजन. द वीकली नेवर पब्लिश्ड अ सिंगल एडवर्टीजमेंट और जनरेटेड एनी एड रेवेन्यू सर्वाइविंग दीज ईयर्स ऑन सब्सक्रिप्शन फ्रॉम रीडर्स अलोन. हिज डॉटर अ वेल नोन जर्नलिस्ट वॉज शॉट आउटसाइड हर होम नेम द वीकली एंड इट्स फाउंडर. ये एक भारतीय अखबार था जो महात्मा गांधी के अखबार हरिजन की तर्ज पर शुरू किया गया था. इस साप्ताहिक ने कभी कोई विज्ञापन नहीं छापा और इसकी कमाई का इकलौता जरिया था इसके पाठकों द्वारा चुकाया जाने वाला मूल्य. हाल ही में इनकी एक पत्रकार की उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई. इस साप्ताहिक और इस साप्ताहिक के संस्थापक का नाम बताइए. फिफ्थ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैचुरी बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग विच वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट प्रेस कमीशन बाय अमेंडिंग द 1867 एक्ट. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत स्थापित हुए पहले प्रेस कमीशन की अनुशंसा पर आने वाली विधिक संस्था जिसका नाम बताइए जिसकी स्थापना 1867 के अधिनियम को संशोधित करके की गई थी. लास्ट क्वेश्चन इज अ विजुअल क्वेश्चन इन विच अ पिक्चर इज गिवन. यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस जेंटलमैन हु वॉज पार्ट ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ इंग्लिश डेली स्टार्टेड इन 1924. ही ब्रॉट द पेपर बाय टेकिंग लोन. तो आपको उन व्यक्ति के अलावा उस अखबार का नाम भी बताना है. ठीक है, जिन सज्जन की फोटो आप देख पा रहे हैं इन्होंने लोन लेकर एक अंग्रेजी दैनिक शुरू किया था 1924 के अंदर. तो उस अंग्रेजी दैनिक और इन सज्जन का नाम आपको बताना है. यदि आपको इसके आंसर्स पता हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए. अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप हमारा कल का वीडियो देखिएगा, उसमें हम आपको सारे उत्तर ज़रूर बताएंगे. सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. आई होप यू लर्न समथिंग new, so please hit the like button, share this video with your fellow aspirants, subscribe to our channel, press that bell icon to never miss any update, and follow us on various social media handles which are given on your screen as well as description. All right, so this is me, Advocate Varun Pradhan, signing off for now. We'll see you soon with the daily news of review for tomorrow. Have a great day.